गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं जा रही हूँ हल्दीराम्स और मेरे पापा भी जा रहे हैं। एक्चुअली पापा को बहुत दिन से डोसा खाने का मन है और यहाँ पे कहीं पे डोसा मिल नहीं रहा था, मतलब आसपास का दुकान में मिल नहीं रहा था डोसा। तो फिर मैं सोची कि हल्दीराम्स ही चलते हैं, पापा को भी बोली कि चलो लेके चलते हैं। एक्चुअली पापा का उतना तबीयत अभी ठीक नहीं है, बट फिर भी मतलब गाड़ी से जा रहे हैं तो इसीलिए जा पा रहे हैं, और हल्दीराम्स यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है। हल्दीराम्स जाने के लिए अभी रेडी हो रहा है, अभी बस निकलना है। मम्मी नहीं जाएगी लेकिन मम्मी के लिए पार्सल लेके आना है। तो ये मेरा गाड़ी, तो अभी बस गाड़ी में बैठना है और जाना है हल्दीराम से है। तो अभी ऑलरेडी 8:30 बज चुका है और डिनर के लिए जाना है, तो ज़्यादा लेट नहीं करना है। तो चलिए आगे जाके मिलते हैं। यही है, एक्चुअली यहाँ पे वेज मिलता है पूरा, बट बहुत ही अच्छा मिलता है। और यहाँ पे खाने के लिए आज मैं दोपहर से नहीं खाई हूँ। एक्चुअली बहुत भीड़ भी है, हम लोग आए हैं तो अभी एक्चुअली 8:45 हो रहा है, तो मुझे लगा था कि थोड़ा सा खाली होगा, बट देख रही कि बहुत भीड़ है अभी भी यहाँ पे। और देखिए लाइन भी लगा हुआ है, ये बिलिंग के लिए यहाँ पे लाइन लगा हुआ है। तो जल्दी से मैं पहले लाइन में लगती हूँ, फिर बाद में फिर वीडियो करूँगी। टेबल खाली हुआ है तो अभी यहाँ पे सीट मिला है, जल्दी से आके पहले सीट ली हूँ। अभी जा रही मेन्यू देखने के लिए, जो भी लेना है यहाँ पे। मतलब आप खाएंगे नहीं तो समझ नहीं पाएंगे, मतलब मैं और एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही हूँ, इतना टेस्टी मुझे लग रहा है। और जो रायता दिया है उसका दही भी बहुत गाढ़ा ही दिया है, ऐसा नहीं कि पतला दिया है, दही भी बहुत अच्छा क्वालिटी दिया है। और पापा लिए हैं डोसा, तो ये डोसा भी मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लिया तो आपको दिखाई, मसाला डोसा तो इसका भी टेस्ट अच्छा ही था, ये भी मुझे अच्छा ही लगा है। डोसा भी पहले खाई हूँ बट उतना मुझे साउथ इंडियन अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे और जो मुझे एक डिश बहुत अच्छा लगता है वो है चाइनीज़ कॉम्बो, तो वो चाइनीज़ कॉम्बो में बहुत कुछ आता है जो कि बहुत टेस्टी बनाता है, हर डिश बहुत टेस्टी बनता है उसमें भी। दही बड़ा तो अच्छा है ही। और हम लोग एक पिज्ज़ा भी ऑर्डर किए हैं, वेज चीज़ पिज्ज़ा, तो वो अभी बोला है कि 10 मिनट लगेगा देने में, तो तब तक हम लोग पहले बिरयानी खा ले रहे हैं। चलिए पहले मैं बिरयानी को एंजॉय करती हूँ, अभी और कुछ नहीं बोल सकती, पहले खाना खाती हूँ और फिर थोड़ा देर के बाद जब पिज्ज़ा आएगा तब उसका आप लोगों को बताती हूँ कि कैसा है। Wow.
पाव भाजी उतना बाहर में खाते नहीं है, बट अभी ये वाला डोसा बहुत दिन से बोल रहे थे कि डोसा खाना है, तो यहाँ पे मैं ले आई क्योंकि यहाँ का डोसा भी अच्छा ही बनता है। और देखिए पापा पूरा डोसा खा भी लिए है, मतलब अकेले ही खा लिए है। और ये आ गया हम लोग का वेज चीज़ पिज्ज़ा, आप देख ही पा रहे हैं कि कितना सुंदर, ऊपर से टॉपिंग तो बहुत अच्छा लग रहा है, अभी बस टेस्ट करना ही है। एटा पिज्ज़ा पिज्ज़ा वेज पिज्ज़ा एक बाइट खे रहे हो पिज्ज़ाटा? एक बाइट खे रहे हो? देख ही पा रहे किस तरह चीज़ पूरा एकदम लगा हुआ है, बहुत गर्म है। ओहो हो मुझे नहीं पता था कि पिज्जा इतना अच्छा है, और चीज को आप देख ही पा रहे किस तरह मुंह में आ रहा है पूरा एकदम। बस बहुत बातें हो गई है, अभी पूरा खाना कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर से बात करना है। पूरा प्लेट साफ हो गया है सबका, पूरा ऑलमोस्ट खा ही ली है, बस एक बाइट बाकी है। तो ये आ गया है स्वीट्स का सेक्शन में, देखते हैं अभी यहाँ पे क्या मिलेगा। मम्मी के लिए डोसा ले ली हूँ और मेरी मामी के लिए भी एक दही वड़ा ले ली हूँ। तो हो गया आज के लिए, तो घूम लिए खा भी लिए, अभी बस घर पहुँचना है जल्दी से और जाके फ्रेश होके सो जाना है, बहुत ही थक गए हैं। तो ठीक है, इस ब्लॉग को अब यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।